में मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अपनी परेशानियों किसी से भी कह नहीं पाती। मैं क्या करती हूँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो नहीं रहने देगी मुझे उनके साथ। आप नहीं जानती कि वो क्या क्या कर सकती है। तू डरती है इसीलिए सब डराते हैं तुझे। सावित्री की तो कहानी सुनी है ना तुमने, कितनी साधारण औरत थी वो भी, लेकिन असाधारण थी उसकी हिम्मत, उसका विश्वास। प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा, वो हर मुसीबतों से लड़ सकता है। हेलो, एक बात बता, श्री को देखा तूने? तू भी सावित्री भी सकती है, सकती है। बोल बेटा, बोल बेटा, बनेगी ना सावित्री, बनेगी ना सावित्री, मानेगी ना अपनी माँ की बात, माँ की बात। ये श्री का संदूक है ना, इसको आउट हाउस में रखवा दे, किसी को पता ना चले घर पे हूँ। चलता हूँ। चले? क्या हुआ? वो मैं बिना कुछ बताए घर से यूं ही चली गई। अभी सब कोई पूछेंगे तो मैं। कोई कुछ नहीं पूछेगा। घर पे मैंने सबसे कह दिया है कि तुम डॉक्टर पंचाल के क्लिनिक गई थी। आपने मेरे लिए घर पर झूठ बोला? बोलना पड़ा, क्योंकि सच में जानता नहीं था। एक बात बताओ श्री, मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने और मुझे बताया तक नहीं। ऐसा क्या कहा, क्या किया मैंने जो तुम मुझे छोड़कर जनकपुर चली गई? कल सुबह सूरज उगने से पहले ये घर छोड़ देगी तो ठीक है, वरना कल सूरज उगते ही इस घर के हर इंसान की जिंदगी का सूरज ढल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं। तुम अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, पर इतना तो बताओ कि जनकपुर में मेरा पक्ष किसने लिया, फैबा ने कि बापू ने? प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा, वो हर मुसीबतों से लड़ सकता है। माँ ने। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, जनकपुर जाने के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरी माँ मुझे भूली नहीं है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं समझा नहीं। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मैं थोड़ा सा वक्त जनकपुर में बिता कर आई हूँ, उस थोड़े से वक्त ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरे भी सुनिए, सच कहता हूँ, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून, इतनी खुशी देख रहा हूँ। एक बात और कहूँ, बहुत सुंदर लग रही हो आज। आप भी ना। अरे मार डाला रे, डर की जगह मुस्कुराहट, हरी की जगह आप। एक दिन में कितने झटके दोगी श्री? जो कुछ हुआ उसे भुला कर हम एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं, है ना? कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है बड़ी बा। और फिर आपके हमारे चाहने से होगा भी क्या? वो देहातन अपने ड्रामेबाजी से बाज थोड़ी ना आएगी। अरे भाभी, इस बार उसके बचाव में आपने कुछ नहीं कहा, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आने लगी है? नहीं नहीं नहीं, आपको सच और झूठ की पहचान कहाँ? अगर होती तो फिर सुबह हरी का झूठ ना पकड़ लेती। क्या कहा था उसने? श्री डॉक्टर के पास गई है। श्री डॉक्टर के पास ही गई थी निक्की भाभी। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, श्री की तबीयत पहले से अब काफी बेहतर है, लेकिन इसे अभी और आराम करने की जरूरत है। श्री बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जी बड़ी माँ। अब ठीक लग रहा है? बेटा ऐसे अकेले क्यों चली गई?
हम में से किसी को बोला होता हम साथ आते, अनजान शहर और इतनी दूर, ऐसे कोई अकेले जाता है क्या? मैंने सोचा कि सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए। इतनी फिक्र है तुम्हें? तो फिर बगैर किसी को बताए कैसे चली गई तुम? ये भी नहीं सोचा कि सब परेशान हो जाएंगे? इस घर के कुछ कायदे कानून हैं श्री, उनमें से एक ये भी है कि अगर कहीं किसी को घर से बाहर जाना हो तो उस बात की खबर किसी को तो हो घर में। पूछ कर नहीं गई, कम से कम बताकर तो जा सकती थी। अब दरअसल बात यह है भाभी कि श्री ने मुझे बताया था पर मैं ही भूल गया। आई प्रॉमिस कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। श्री चलो, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। ठीक ही कहा है किसी ने, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। श्री गलती मेरी, मुझे इस तरह से प्यार में मेरा तुम्हारा नहीं होता श्री, जो है हमारा है, गलती भी और इनाम भी। चलो अब मुस्कुरा दो। बहुत थक गई हो ना, थोड़ा आराम कर लो, मैं भी हाथ मुंह धो के आता हूं। सच सच बता, तू कहाँ गई थी? देख श्री, मैं जानती हूँ हरी झूठ बोल रहा था, मैंने फोन करके पता लगाया। तुम दोनों डॉक्टर पंचाल के क्लिनिक नहीं गए थे, तो फिर कहाँ गए थे? बोलो श्री, तुम सोच भी नहीं सकती सुबह से लेके अब तक मेरी क्या हालत रही है, क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। तुम ऐसे बिना बताए घर से अचानक चली गई, इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? हाँ मतलब मैं समझाता हूँ भाभी। बाहर सबसे मैंने झूठ कहा, लेकिन आपसे मैं झूठ नहीं कह सकता। श्री मुझे और इस घर को छोड़कर जनकपुर चली गई थी। क्या? क्यों? इसका जवाब तो सिर्फ श्री ही दे सकती है भाभी, मगर वो देना नहीं चाहती और मैं भी उसे मजबूर नहीं करना चाहता। लेकिन हरी, ये ऐसे कैसे? मत पूछिए भाभी, कोई सवाल मत पूछिए, बस ये सोचिए कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो श्री लौटी है वो पहले से ज्यादा खुश है, अपने दुख अपनी चिंताएं वहीं छोड़कर आई है, और मैं इस बात का जश्न मनाना चाहता हूं। तो आप भी अपनी पिछली सारी चिंताओं को भूलकर एक नई शुरुआत करिए। क्यों श्री? काश ये इतना आसान होता। कुछ कहा आपने भाभी? नहीं। हाँ वो तुम क्या कह रहे थे जश्न के बारे में? वो मैं बाहर सबके सामने बताऊंगा। अब चलिए भाभी मैं आता हूं।
तुम आराम करो, मैं आता हूं। बार इस डर को निकाल फेंक अपने दिल से। देख, दुनिया की कोई ताकत तुझे डरा नहीं सकती बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं करूंगी। नहीं डर, मैं किसी से नहीं डर, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ का विश्वास है, मेरे बापू का आशीर्वाद, मेरे प्यार की ताकत, तो भला मैं क्यों डरूं? मैं लड़ूंगी, लड़ूंगी मैं। देखी, देखी भोलेनाथ की माया, तुम मुझे यहाँ डराने आई थी ना, लेकिन आज आज तुम्हारी वजह से मेरा डर हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। ना ही तुम मुझे जनकपुर भेजती और ना ही मैं कभी अपनी माँ से मिल पाती, और ना ही मुझे कभी ये पता चलता कि मेरा परिवार मेरी कितनी चिंता करता है। तुम मुझसे मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे प्यार को छीनने आई थी ना, लेकिन देखो आज तुम्हारी वजह से मेरी उन पे पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। चली जाओ, चली जाओ यहां से। मुझे कमजोर मत समझना, मैं लड़ सकती हूँ। तुमसे तो क्या, किसी से भी लड़ सकती हूँ। जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तैयार। हम रघुवंशी हैं, प्रभु श्री राम के वंशज, और देखिएगा इस बार हम ऐसी रामनवमी मनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? पर अचानक ये ख्याल तुझे कैसे आया? मेरी जिंदगी में तो सब कुछ अचानक ही हुआ है ना बड़ी बा, अचानक प्यार, अचानक शादी, और अब अचानक ये खुशी। खुशी? हाँ माँ, आपने देखा नहीं, हमेशा डरी डरी रहने वाली मेरी श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई है। वही मुस्कुराहट जिसे देख के मैं उस पे मर मिटा था। चलिए यही समझ लीजिए कि रामनवमी के बहाने मैं अपनी ये खुशी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब तो ठीक है, आप लोग अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैंने कहा ना कि अब हमारी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई प्रोमिस, बस हमें एक मौका दे दीजिए। और मैं जानता हूं कि भगवान ने रघुवंशी परिवार को बहुत बड़ा दिल दिया है, और वो अपने छोटों की गलतियों को माफ कर देते हैं। यही तो एक फायदा है ना छोटे होने का। तो ठीक है, फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं,
या तो हम अपने अतीत को गले लगाए दुखी और मायूस बैठे रहें, या तो फिर इस अतीत को दफन करके एक नई शुरुआत करें। और उस नई शुरुआत के लिए रामनवमी से बेहतर मुहूर्त और क्या हो सकता है? तू कहती है हरि तेरा है और मैं कहती हूँ कि वो मेरा है, मेरा है, कि वो मेरा है। अब बोल, बोल, कैसे होगा इस बात का फैसला? मेरे पास है एक तरकीब, लेकिन मुझ पे भरोसा करेगी तू? मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हमारा ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। बोल, है मंजूर? मुझे मंजूर है। बोलो, मुझे क्या करना होगा? एक परीक्षा देनी होगी तुझे और तेरे प्यार को। लेकिन एक बात सुन ले, इसका अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस एक रिश्ते को बचाने की कोशिश में बाकी के सब रिश्ते बिखर जाए। तेरी ये हिम्मत, ये भरोसा, सब कुछ कुछ टूट सकता है। मेरी हिम्मत, मेरा भरोसा मेरे प्यार के आधार पर है, उसके टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तेरा ये परिवार, उसके बारे में सोच लिया है तूने? इन सब में मेरे परिवार का क्या संबंध है? उन सबको बीच में क्यों ला रही हो? बहुत गहरा संबंध है। जो तुम करने जा रही हो उससे ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि इस पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। तूफान? कैसा तूफान? क्या करोगी तुम? करोगी तो तुम। मैं तो बस वो राज सबके सामने लाऊंगी, वो राज जो कई सालों से यहाँ दफन है, जिसकी वजह से मैं मरकर भी जिंदा हूँ। पता भी है तुझे कैसा लगता है जब मर के भी मुक्ति नहीं मिलती? मुझसे पूछ, जिसने बरसों इंतजार किया है इस दिन का, बस एक बार उस राज के खुलने की देर है, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। सच क्या है सबके सामने आ जाएगा। इसी दिन से जुड़ा हुआ है वो राज, इसी दिन घटी थी वो मनहूस घटना। वो राज, वो घटना क्या? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बहुत जल्दी जान जाओगी, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। थैंक यू सो मच। आप सबने मेरी खुशी के लिए, तेरी नहीं, हम सब की खुशी, इस घर की खुशी। आग लग जाएगी इस घर की खुशियों में। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या रोकेगी तू? कल घर में उत्सव है, घर के पिछले हिस्से में बने तहखाने को खोला जाएगा, उसमें रखा पुराना सामान निकाला जाएगा। उसी सामान में है एक लाल गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। उस लाल गुड़िया में एक चीज है। अगर तुझ में हिम्मत है तो वो चीज अपने पति को दिखाना और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में। अगर तुझ में हिम्मत है तो वो चीज अपने पति को दिखाना, अपने पति को, और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में, होता है तेरे घर में। कल घर में उत्सव है, घर के पिछले हिस्से में बने तहखाने को खोला जाएगा। उस और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में, तमाशा शुरू होता है तेरे घर में।